अगर हमें दुनिया को अपनी स्ट्रेंथ और कैपेबिलिटीज दिखानी है तो इसके लिए हमें कभी तो सबके सामने आना ही होगा ना। हम हमेशा तो इस तरह छुपे नहीं रह सकते, हमें दुनिया को बताना होगा कि हमारी कंट्री कितनी पावरफुल है, दीपिका बोली। ये सुनकर अंशुमन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। वो अब भी चुपचाप बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। उसे इतना शांत देख दीपिका इरिटेट हो गई। वो इतनी देर से अंशुमन को मोटिवेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंशुमन को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। दीपिका ने आगे अंशुमन से कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। थोड़ी देर बाद वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेयर के लिए म्यूजियम पहुंच गए। म्यूजियम बहुत ही बड़ा और आलीशान था। वहां बहुत से टूरिस्ट घूमने आए हुए थे। हम सबका इस तरह ग्रुप में जाना ठीक नहीं होगा, बाकी सब साइंटिस्ट्स भी बिना बॉडीगार्ड्स के यहाँ हैं। मुझे लगता है कि अंशुमन तुम्हें दीपिका के साथ रहना चाहिए। अगर कोई दीपिका के बारे में पूछे तो कह देना कि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। हम सब म्यूजियम में टूरिस्ट्स बनकर जाएंगे। मैं जानता हूँ अंदर कड़ी सिक्योरिटी है, सब ठीक ही होगा। बस तुम सब चौकन्ने रहना, अंशुमन मैं तुम्हारे पीछे ही रहूंगा, हेमंत ने कहा। ठीक है, दीपिका बोली। अंशुमन ने भी हाँ में अपना सिर हिला दिया। अंशुमन, दीपिका और हेमंत सिक्योरिटी चेक के बाद म्यूजियम के अंदर जाने लगे। तभी हेमंत ने उन दोनों को रोकते हुए कहा, दीपिका, अब जब तुम दोनों कपल होने की एक्टिंग कर ही रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़ लेना चाहिए। बुरा मत मानना, पर इस तरह तुम दोनों कपल बिल्कुल नहीं लग रहे। हेमंत की बात सुनकर दीपिका चुप पड़ गई। अंशुमन हेमंत की तरफ कंफ्यूज होते हुए देख रहा था। अंशुमन इतने सालों से सिंगल ही था, उसे बॉयफ्रेंड बनने के बारे में कुछ नहीं पता था। दीपिका का हाथ पकड़ने के अलावा अंशुमन के पास और कोई रास्ता भी नहीं था। वो चुपचाप दीपिका की तरफ देखने लगा। दीपिका जानती थी कि कपल्स पब्लिक प्लेसेस में किस तरह बिहेव करती हैं, लेकिन उसने मिशन के लिए कभी ऐसा कुछ नहीं किया था। दीपिका अक्षत के साथ बहुत वक्त तक रिलेशनशिप में थी। वो जानती थी कि उसे अंशुमन का हाथ पकड़कर किस तरह चलना है, इसलिए उसने खुद अंशुमन का हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। इससे पहले भी दीपिका अक्षत का हाथ पकड़ चुकी थी, पर उसे अक्षत के साथ वक्त बिताने का मौका बहुत कम मिलता था, क्योंकि अक्षत ज्यादातर आर्मी में होने की वजह से घर से दूर ही रहता था। उन दोनों का ब्रेकअप हुए अब बहुत वक्त हो चुका था। दीपिका ने जैसे ही अंशुमन का हाथ पकड़ा तो पाया कि उसके हाथ बहुत ठंडे हैं। वो अपनी उंगलियों से अंशुमन का हाथ सहलाने लगी। दीपिका की इस हरकत से अंशुमन का सारा शरीर ठंडा पड़ गया, वो बिल्कुल ब्लैंक हो गया। अंशुमन लिख कर दीपिका से कुछ कहना चाहता था, पर उसका हाथ दीपिका के हाथ में था। इस वक्त अंशुमन ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। मुझे टच मत करो, अंशुमन ने धीमी सी आवाज में कहा। वो दीपिका की तरफ शर्माते हुए देख रहा था। हेमंत भी उन दोनों के पीछे खड़ा ये सब होते हुए देख रहा था। मैं तो बस तुम्हारा हाथ पकड़ रही हूँ, कपल्स को एक दूसरे का हाथ पकड़ना ही पड़ता है, तुम्हें थोड़ी देर में इसकी आदत पड़ जाएगी, दीपिका अंशुमन को समझाते हुए बोली। ठीक है, अंशुमन ने अपना सिर झुकाते हुए कहा। अब हमें अंदर चलना चाहिए, दीपिका ने आगे कहा। दीपिका अंशुमन और हेमंत के साथ म्यूजियम के अंदर आ गई। अंदर आते ही उसने देखा कि वहां दुनिया भर के साइंटिस्ट्स आए हुए हैं। उन सब साइंटिस्ट्स की उम्र लगभग 40 साल होगी। वहां उम्र में सबसे छोटा सिर्फ अंशुमन ही था। अंशुमन ने जैसे ही म्यूजियम के अंदर कदम रखे तो सब लोग उसे ही देखने लगे। क्या तुम अंशुमन हो? मेरा नाम रजत है, मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। मैं थर्सडे को होने वाले इंटरनेशनल फिजिक्स कॉन्फ्रेंस का होस्ट भी हूँ, एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अंशुमन की तरफ आते हुए कहा। रजत को देख अंशुमन ने अपना सिर हाँ में हिला दिया। रजत इंतजार कर रहा था कि कब अंशुमन उससे बात करेगा, लेकिन अंशुमन ने एक शब्द तक नहीं कहा। तभी हेमंत ने रजत को समझाते हुए कहा, अंशुमन को ज्यादा बात करना पसंद नहीं है, वो नोटपैड पर लिखकर बात करता है। ये सुनकर रजत हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बिना कुछ बोले वो अंशुमन के साथ कैसे इंटरैक्ट करेगा। रजत अपने कई साइंटिस्ट फ्रेंड्स को जानता था जो अपना सारा वक्त लेबोरेटरीज में ही बिताते थे। उन लोगों को बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं था, जिस वजह से वो सब बाहरी दुनिया के साथ घुलमिल नहीं पाते थे। म्यूजियम में आए बहुत से साइंटिस्ट की फिजिक्स इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन वो लोगों के साथ घूमने मिलने में बहुत अच्छे थे। रजत भी उन सभी में से एक था।
रजत को जैसे ही ये बात पता चली तो वो मन ही मन सोचने लगा कि आगे चलकर वो अंशुमन के इस वीक पॉइंट पर उसको नीचा दिखाने में फायदा उठाएगा। क्या तुम अंशुमन की गर्लफ्रेंड हो? रजत ने जैसे ही दीपिका को देखा तो उसकी आंखों में चमक सी आ गई। दीपिका की खूबसूरती देख रजत दंग रह गया। इससे पहले कि दीपिका कुछ कह पाती तभी अंशुमन ने इतराते हुए दीपिका को अपनी तरफ खींच लिया। दीपिका अंशुमन के पीछे जाकर खड़ी हो गई। अंशुमन की इस हरकत से रजत हैरान रह गया। वो हंसते हुए बोला, लगता है तुम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव हो। रजत की बात सुनकर अंशुमन ने अपना सिर हां में हिला दिया। रजत ने जैसे ही दूसरे साइंटिस्ट्स को अंदर आते देखा तो वो उन सब से मिलने चला गया। अंशुमन लोगों के साथ घुलने मिलने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वो इस तरह के इवेंट्स में कम ही जाता था। वहाँ खड़े बहुत से साइंटिस्ट्स ग्रुप बनाकर एक दूसरे से बातें करने में बिजी थे। म्यूजियम में सिर्फ अंशुमन ही था जो अकेला एक तरफ चुपचाप खड़ा था। तभी लगभग 5 मिनट बाद वहाँ 60 साल का एक फिजिसिस्ट आकर अंशुमन से बोला, अंशुमन तुम यहाँ? मुझे नहीं लगा था कि मेरी मुलाकात यहाँ तुमसे होगी। हेलो प्रोफेसर राजीव, अंशुमन ने राजीव से हाथ मिलाते हुए कहा। अंशुमन तुम तो बहुत बदल चुके हो, ये लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। पहले तुम्हारे लिए किसी से बात करना कितना मुश्किल होता था, तुम हमेशा नोटपैड और पेन लेकर घुमा करते थे। बीती बातों को याद करके मुझे हंसी आ रही है, तुम्हें इस तरह देखकर अच्छा लगा, राजीव ने कहा। राजीव की बातें सुनकर दीपिका अपनी हंसी नहीं रोक पाई। तभी दीपिका ने कहा, हेलो प्रोफेसर मेरा नाम। इससे पहले कि दीपिका अपनी बात कह पाती तभी हेमंत ने उसे टोकते हुए कहा, दीपिका की वजह से अंशुमन में बहुत से चेंजेस आए हैं, अंशुमन सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से ही बोलकर बात करता है। ये तो बहुत अच्छी बात है, राजीव ने दीपिका की पीठ थपथपाते हुए कहा। मैंने तो सोचा था कि तुम हमेशा सिंगल ही रहोगे, मुझे लगा नहीं था कि किसी लड़की को तुमसे प्यार भी हो सकता है। दीपिका तुम बहुत लकी हो जो अंशुमन जैसा लड़का तुम्हारा पार्टनर है, राजीव ने कहा। हाँ मैं जानती हूँ, अंशुमन बहुत ही इनोसेंट और क्यूट है, दीपिका अंशुमन की तारीफ करते हुए बोली। लगता है तुम अंशुमन को बहुत अच्छे से जानती हो, राजीव ने दीपिका की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा। वैसे अंशुमन मुझे तुमसे मिले 2 साल हो गए, तुम इन 2 सालों में कहाँ थे, राजीव ने आगे कहा। रिसर्च करते करते अंशुमन थक चुका था, उसे ब्रेक चाहिए था जिसके लिए वो 1 साल तक अपने होम टाउन में रह रहा था। अगले साल अंशुमन इंडिया में टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स की मीटिंग में एक प्रोफेसर के तौर पर लेक्चर देने वाला है, हेमंत ने राजीव को जवाब देते हुए कहा। ये सुनकर राजीव हैरान रह गया। लेकिन तुम्हें तो बोलना बिल्कुल पसंद नहीं, तुम लेक्चर कैसे दोगे फिर, राजीव हैरान होते हुए बोला। ये तो वक्त आने पर ही पता चलेगा, अंशुमन ने अपने नोटपैड पर लिखा। नोट पढ़कर राजीव चुप पड़ गया। दीपिका मन ही मन सोच रही थी कि अंशुमन को अपनी बात दूसरों के सामने रखनी बहुत अच्छे से आती है। ठीक है, मैं तुम्हें अगले साल वहाँ सपोर्ट करने जरूर आऊंगा, राजीव ने एक्साइटेड होते हुए कहा। इसके बाद राजीव ने ग्रुप में खड़े प्रोफेसर ललित की तरफ इशारा करते हुए कहा, देखो तो यहाँ अमेरिका से ललित भी आया हुआ है, सब लोग किस तरह ललित के पास इकट्ठा हुए हैं। अंशुमन मैं खुश हूँ कि इंडिया से तुम्हारे जैसा साइंटिस्ट यहाँ मौजूद है, तुम सच में बहुत टैलेंटेड हो, फिजिक्स में तुम ललित से बहुत अच्छे हो, बस तुम्हारा एंटी सोशल होना तुम्हें कई बार लोगों की नजरों में नहीं आने देता। राजीव की बात सुनकर अंशुमन ने नोटपैड पर लिखा, प्रोफेसर ललित मुझसे उम्र में 40 साल बड़े हैं, मैं उनके रिस्पेक्ट करता हूँ, मुझे लगता है अब भी उनके पास मुझसे